हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम और सना कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप परेशान लग रहे हैं, सब खैर है? हाँ, वो नादरा आपा, वो तुम्हारी जो खाला सास है, वो आई थी। अच्छा, फिर अजीब अजीब सी बातें कर रही थी वो कि शादी कर लो, मैं रिश्ता तलाश करती हूँ, कैसी औरत चाहिए। मैंने कहा कि मुझे नहीं करनी है शादी, लेकिन वो बार बार यही कही जा रही थी। और वो कह रही थी कि तुमने कहा है उन्हें ये सब करने के लिए। हाँ अबू, शादी में हर्जी क्या है ना? इफ्रा, मैंने तुमसे कहा है कि मुझे नहीं करनी शादी, तो ये बार बार क्यों जिक्र करती हो तुम? और खास तौर पर नहीं नहीं कुछ नहीं, बताए ना खास तौर पे क्या। देखो इफ्रा, मुझे लग रहा है कि वो जो तुम्हारी खाला सास है, वो अपनी बात कर रही है। अच्छा, हाँ, वो कहने लगी कि आपा मत कहो मुझे, मैं भी तन्हा हूँ, तुम भी तन्हा हो, पता नहीं क्या क्या बात कर रही थी वो। अच्छी भली खातून थी, क्या हो गया उन्हें? मैं तो तुम्हारी वो ससुराली रिश्तेदार होने की वजह से मैं सख्ती से कुछ कह भी नहीं सका, मैं तो खामोश बैठा रहा। अच्छा अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं हूं ना, मैं निमट लूंगी नादरा खाला से, ठीक है ना? शादी तो लेकिन आपको अब्बू करनी ही पड़ेगी। अब इफ्रा, फिर वही बात। अब्बू प्लीज। अच्छा, अभी आप छोड़ देना इस बात को, बाद में बात कर लेंगे। आप बताएं, वो शाकिर अंकल कैसे आते हैं ना घर पे, आपका ख्याल रख रहे हैं, और वो खानसामा कैसा खाना बना रहा है वो?